नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछी माधुरी। प्रथमे हेडलाइंस। सप्ताहे परे राज्य में कमी संक्रमण मे 31 परे 10,000 तलक आसब दैनिक आक्रांत संख्या। डॉक्टर नीरज मिश्र कहले ओडिशा आवश्यक आउ 2 सप्ताह लॉकडाउन। बढ़ुचे कोरोना बढ़ुचे कटकणा विवाह पई गंजाम रे नुआ गाइडलाइन आवश्यक। परिवार सदस्य कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। सेपटे राज्य में लाइट कैमरा एक्शन को ना। कोरोना लड़ाई रे हरियाणा को ऑक्सीजन बड़ मुख्यमंत्री अनुरोध रखिले धर्मेन्द्र प्रधान। पानीपत में नुआ ऑक्सीजन प्लांट सह 500 बेड थिबा हॉस्पिटल रो उद्घाटन। दिल्ली में पुणि सप्ताहे बढ़ला लॉकडाउन। आसंता 24 तारीख पर्यंत रहिबो कटकणा। एपटे आज पश्चिमबंग संपूर्ण तालाबंद। सका 7-10 जाए खोला रहिबो अत्यावश्यक दुकान। एवं बड़ गोटाऊ बात्या दौकते 18 तारीख सका गुजरात उपकूल दे कर अतिक्रम। प्रस्तुतिर समीक्षा सह कले अमित शाह गृहमंत्री। संपूर्ण खबर को सप्ताहे परे राज्य में कमी संक्रमण मे 31 परे 10,000 तलक आसब दैनिक संक्रमण। जून मासरे कोरोनारो मिलिबो आश्वस्ति। राज्य में वर्तमान स्थिति प्लाटो स्टेज रही। पॉजिटिव रेट 20% रही। तेणु टेस्ट कम किंबा बेसी कले से ही हार रे पॉजिटिव संख्या रोकता स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्र। राज्य में अति कम 2 सप्ताह लॉकडाउन आवश्यक से मत दे। राज्य में संक्रमण विलंबरे वृद्धि होइतिबारु अन्य राज्य अनुसारे ओडिशा रे विलंबरे कमिबो संक्रमण। गाँव में संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु एबे गाँव को फोकस दियाजिबो। गाँव में अंडर रिपोर्टिंग कराजिबो। गाँव में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं। लोके टेस्टिंग कराइबा पई इच्छा प्रकाश करूनाहंती। भित्तिभूमि नहीं एवं लोक माने सचेतन भी नहंती। तेणु ग्रामांचल रे मृत्यु संख्या अधिक होइपारे बोली नीरज मिश्र कहिछंती। मत लगुच लॉकडाउन अवधि बढ़ेगा तो गोटे वीक खंडे पाखापाखि रहा है। जो प्लाट्यू में आम पहुंच जाइए तेना प्लाट्यूटा गोटे वीक खंडे रहा कारण पॉजिटिविटी रेट एवं भी 20% ऊपर रोच। तेनाली नंबर ऑफ केसेस आम जिते करा तार 20% पाखापाखि आम पॉजिटिव आस जाए। यहाँ कमियापी लॉकडाउन आटलिस्ट आम गोटे वीक लगे पॉजिटिविटी रेट कमियापी तापर ग्रेजुअली पॉजिटिविटी रेट कमी जाए। बाय एंड ऑफ मे बिगिनिंग ऑफ जून से नंबर ऑफ केसेस सिग्निफिकेंटली कमी। कोरोना लड़ाई में हरियाणा को ऑक्सीजन बल पानीपत हेबो 500 बेड थिबा हॉस्पिटल सह नुआ ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर का अनुरोध रक्षा करिसेंते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आज नुआ प्लांट और हॉस्पिटल आरंभ हेबो। यह राष्ट्रीय उद्देश्य से समर्पित करेंगे केन्द्रमंत्री। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई करिपारे केन्द्र स्टील विभाग एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ने आसत नजर पकड़ा। वर्तमान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कौन कह लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा। मित्रों भारत सरकार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ऑक्सीजन हो आज तो हम लोगों ने विदेश से हमारी देश में टैंकरों की कमी थी लगभग 200 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर कंटेनर आज हम बाहर से लेके आ रहे हैं छोटा बड़ा विभिन्न साइज के। आज हमने लगभग 13,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सिंगापुर हो दुबई हो कतार ओमान बहरीन सऊदी अरब इन सारे देशों से आज ऑक्सीजन भी हम लेके आ रहे हैं। मित्रों हम देश की स्वास्थ्य सेवा में इसको ठीक करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर आज उसके लिए कमिटेड है। ना केवल ऑक्सीजन ना केवल वेंटिलेटर ना केवल अधिक बेड मेडिसिन और वैक्सीन ये दोनों अभी अभी अनिल जी कह रहे थे और ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। मित्रों अगस्त महीने में भारत की कंपनियों के माध्यम से 2 कंपनियां भारत में सीरम जो अस्ट्राजेनेका की भारत में उत्पादन की जिम्मेवारी लिया है
भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा आईसीएमआर की नेतृत्व में जो कोवैक्सीन बना है भारत बायोटेक के माध्यम से, दोनों की उत्पादन लगभग 7.5-8 करोड़ है। रशिया की वैक्सीन आ गया है, इसी महीने में भारत में पहुंच चुका है, खूब जल्द ये राज्य सरकार और बाजार में आ जाएगी। भारत में जून महीने में यह संख्या बढ़ के 10-11 करोड़ तक जाएगी और दिसंबर आते आते ये 20-25 करोड़ तक प्रति महीने में, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं दिन में 1 करोड़ टीका आने वाले चंद महीनों के बाद हो जाएगी। मित्रों, हम वैक्सीन में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार अभी भी आवश्यकता की 50% टीका मुफ्त में राज्य सरकारों को देते हैं। अनिल जी, आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, अभी भी भारत सरकार के 50% टीका मुफ्त में आपको दिया जाता है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, खट्टर जी को, आपकी टीम को, आपने भी जो 25% की हिस्सेदारी आपके पास है उसको भी आपने तय किया है मुफ्त में देने के लिए। बाकी कॉरपोरेट के रूट में व्यवसायी वालों के लिए 25% की टीका उपलब्ध किया जाएगा। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की चेयरमैन को धन्यवाद देता हूं, हरियाणा में और भी कॉरपोरेट की दुनिया होंगे जिन्होंने तय किया है वो अपने एम्प्लॉयियों को तो मुफ्त में, यानी पानीपत में काम करने वाला जो मजदूर है जो हरियाणा का है उसको आईओसी मुफ्त में टीका देगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर करने वाला जो लड़का है उसको आईओसी मुफ्त में टीका देगी। पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो लड़के भरते हैं पेट्रोल उसको भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एचपीसीएल बीपीसीएल मुफ्त में टीका देंगे। ऐसे अन्य कॉरपोरेट, यहाँ आपको तो उद्योग बहुत है, उनको भी आप सलाह दीजिए आईओसी एचपी बीपी ऐसे कंपनियों के तहत वो भी खुद टीका लगाने के साथ साथ समाज की। आईओसी सिर्फ अपने कर्मचारियों को टीका नहीं लगाएगा, एक टीका अपने कर्मचारियों को लगाएगा, हरियाणा की आपके नागरिकों को भी एक टीका लगाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो लोग जमीन दिए हैं, संजय जी आप उसको सुनो, आप पूछ रहे थे आईओसी क्या कर रहा है, आईओसी यहाँ की गांव वालों के लिए भी टीका लगाने की जिम्मेवारी लेगी। हम सब मिलके टीकाकरण हरियाणा में 100% करेंगे, जल्द ही करेंगे। भारत की वैज्ञानिकों को ऊपर भरोसा रखिए, पानीपत रिफाइनरी हो, भारत सरकार हो, हम सब मिलकर हरियाणा सरकार के साथ इस अभियान को पूरा करेंगे। मैं जाते जाते पेट्रोलियम विभाग की ओर से एक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आपकी पानीपत ये टेक्सटाइल की शहर है, कंबल दरी कारपेट चद्दर यही सब बन के देश में जाता है, उसकी रॉ मटेरियल हमारी रिफाइनरी में बनते हैं। रिफाइनरी में पॉलिस्टर बनने की रॉ मटेरियल बनता है, पॉलिस्टर यहीं से जाता है महाराष्ट्र गुजरात दामन दीव, सूत बन के पॉली फाइबर बन के फिर आपके कारखाने में आते हैं। हम आपको निवेदन करते हैं, पिछले दिनों में भी मैं आपको वही अनुरोध करके गया था, यहाँ थोड़ा औद्योगिकरण, जो आपके हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की लैंड आपने एक्वायर करके रखा है इसको थोड़ा नया मॉडल बनवाइए, सब्सिडी रेट पे जमीन उपलब्ध कराइए। हरियाणा में भी विशेष करके रॉ मेटेरियल यही है, उत्पादन केंद्र यही है, दोनों को जुड़ाव करने की आवश्यकता है हरियाणा के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, नए उद्यमियों के लिए। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी आप और हम मिलकर लेना चाहिए। अंत में और एक सूचना देके जाता हूं, पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कामकाजी मजदूरों के लिए उद्योग जगत लो कॉस्ट लेकिन आधुनिक घर बनाइए। मेरे को आज
आईओसी की चेयरमैन कह रहे थे, जल्द ही ऐसे एक मॉडल क्लस्टर पानीपत में भी बनेगा। हम 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा करके एक आदर्श लो कॉस्ट श्रमिकों के लिए कॉलोनी बनाएंगे, जिसमें बाहर से आए हुए मजदूर भी सम्मान के साथ यहाँ रहे, इसकी भी जिम्मेवारी हम लेंगे। आज के अवसर पे फिर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, विशेष करके हरियाणा सरकार को बधाई देता हूँ, उन्होंने देश में एक नया उदाहरण खड़ा किया, देश में एक मिसाल खड़ा किया। हरियाणा में आज से 1000 कोविड पेशेंट इस टेंट वाले ऑक्सीजन वाले बेड पे रहेंगे, जल्द ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे, वैक्सीन भी उनको लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय। तो आप शुणुते केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया रही है, अर्थात हरियाणा को एभली प्रशंसा कर हरियाणा सरकार को मध्य प्रशंसा कर विशेषकर पानीपत गोटे टेक्सटाइल सहर और सेठे किभली लोकों रोजगार पर उद्यम कर दिग्वे ध्यान देवाकूं। अंपटे पानीपत में केवल जे 500 बेड हस्पिटाल और नू अक्सीजेन प्लांट को घोषणा कराला नुहे, बर से वैक्सीन मेडिसीन बेड सहित ए अभाव किभली दूर होने घोषणा कले। माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा के ग्रह श्री आसे परवर्ती खबर को कोविड काल करुण कहानी, मृतदेह पोड़ा को काठ देलेनी गाँ लोके, काठ आणवाक गाँ लोके भितर को छाड़िले। घटना देखा मिली गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक संतोषपुर गाँव में गत काली असुस्थता कारण टी पार्वती इसुम पात्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होते सन्धार खाइबार किसी समय पर पायखाना को जाते सेठे बस टली पड़ते प्रशासन तरफ आंबुलांस गाँ मशाणी को नि मृतकों पर गाँव कहीं साय्य करने को आगे आसी नए बाहर गाँव आत्मीय मानक काठ आणवाई गाँ को छाड़ नथिले। अभियोग आसवा पर पात्रपुर तहसीलदार पुलिस कर्मचारी माने पहुंची ग्रामवासी को बुझाइबा पर काठ देते मशाणी ठारु दूर से दुई झी रही बेले पुओ पीपी किट पिंधि शव सत्कार करते स्वाभाविक मृत्यु सत्वे पाख माड़िले पड़ोसी कि संपर्क 15 घंटा पड़ रहा वृद्धों शव एभली एक अभावन घटना घटी झारसुगुड़ा कोलापीरा ब्लॉक रघुनाथपाली ग्राम से गाँव शिवशंकर मेहर बार्धक्य जनित मृत्यु होता मृत्यु पर लोक संपर्क को फोन कर मृतकों दाह संस्कार अनुरोध करते मात्र करोना भय मृतदेह को छुईवा तो दूर कथा पाख को देखा आसी न फल मृतदेह दीर्घ 15 घंटा धरी पड़ रही शेषे पश्चिम ओडिशा युव मंचर सदस्य शव सत्कार करने को आगे आसी मंचर आवाहक रंजन साहू सभ्य तेजस्वी साहू सचिता प्रधान एवं सूरज प्रधान शव सत्कार करते युव संगठन एभली कार्य को विभिन्न महल में प्रशंसा करपक्षे करोना सचेतन रहू किंतु रोगी को घृणा करना बोली पश्चिम ओडिशा युव मंच आवाहक रंजन साहू। आमर जिलार रघुनाथपाली रे जन वृद्धा तांकर वयस 82 बरस से काली संध्यारू एक्सपायर कर गई किंतु ना गाँव लोक ना आग पागर लोक तांकु कोरोना पेसेंट भाविकरी तांकर पाके तांकर घर के भी नहीं आसुते लोक के घृणा करूँ रोगी के नाई आज इनर दुख देखिकरी गाँव लोकर मानकर कथा देखिकरी बहुत खराब लगुचे जे किए देखी भी नहीं आसबार कोरोना डेगी जीवा बोली कोरोना नहीं हुई से बयस ही न डेथ करन किंतु कोरोना बोली खुला जारी करोना पेसेंट बने दीछन आज आम
संक्रमण वृद्धि को दृष्टि रखि आज पश्चिमबंग में संपूर्ण लॉकडाउन फल आज 30 मे पर्यंत लॉकडाउन रहिबो। पश्चिमबंग लॉकडाउन अत्यावश्यक सेवा को छाड़देले सबकि बंद रहिबो। केवल 3 घंटा पर्यंत तथा सका 7टा 10टा पर्यंत खोलिबो राशन एवं पनीपरिया दुकान। तालाबंद में सरकारी एवं बेसरकारी कार्यालय गुड़िक बंद रहिबो निर्देश देते पश्चिमबंग सरकार। पश्चिमबंग में एवं कोरोना संक्रमण तीव्र गति में व्यापार लगी। प्रतिदिन रेकर्ड संख्यक संक्रमित चिन्हट होते जहाँ सेठाकर सरकार तालाबंद भली कड़ा निष्पत्ति नहीं। हटहटा हेले विधायक और सीएमसी कमिशनर समस्या बुझापी जाता सीएमसी कमिशनर अनन्या दास और सदर विधायक चंद्र सारथी बेहरा घेरिले लोके एत दिन है कड़े जा प्रश्न कले लोके समस्या पक कहीं देखा दे कहीं प्रश्न कर घटना कटक सहर नुआपड़ा अंचल घटी। यह भिडटी एवं सोशियाल मीडिया बेस भाइराल होबार लगी। नुआपड़ केन्द्रीय विद्यालय 2 निर्माण कार्यर स्थित अनुधान सह जलबंदी समस्या समाधान करने उभय जाते सेठी पहुँचु पहुँचु घेरी जाते स्थानीय लोके। नुआपड़ा बालीसाही प्रेस कलोनी लेबर कलोनी अंचल जल निष्कासन सठिक ढंग से हो पारना। किछे दिन तले कालबैशाखी जो नुआपड़ा बालीसाही रोकवा बस्ती बासिंदा घर भांगी जाता उत्तेजना प्रकाश पाइबा घटनास्थल में पहुंची नथिले कमिश्नर और स्थानीय विधायक किंवा जिलापाल। से पाणीपाग जनित खबर उपरको अर्थात परवर्ती खबर उपरको आम नजर पकाइबा। सुंदरगढ़ जिले में लॉकडाउन में बेधड़क मद कारबार बणाई अबकारी विभाग विभिन्न स्थान में चढ़ाव कर विपुल परिमाण मद जबत कर बणाई लहुणीपड़ा और चांदीपोस विभिन्न स्थान में चढ़ाव कर अबकारी विभाग 34 बोतल और 6 लिटर महुली मद जबत होता बेले घटन 4 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर पुलिस। गिरफ अभियुक्त जमकई गांव विद्याधर पलई बड़ गोगुआ गाँव भगवान विश्वाल तालबाहली गाँव राम भूमिज और चांदीपोस राहुल कुमार साहू बोली जमापड़। बेलगुठा थाना अंतर्गत बज्रगड़ ग्राम से वन्य जंतु शिकार पर बिछा जा तारे लगे नारायण नायकों मृत्यु हो। नारायण आज भोर सका समय आंब तटा को जाता बेले उक्त तोटारे कहीं दुर्वृत्त वन्य जंतु शिकार पर बिछाई तारे लगि जाते तेज से घर को न फेरपार पर लोके सन्देह बहु खोजाखोजी कर लगी तेरे उद्धार कर भंजनगर मेडिकल भर्ती कराइवा बेले सेठे डाक्तर मृत घोषणा कर। चोरा चलाण बेले ओलटिला काठ बोझे पिकअप भ्यान नरसिंहपुर थाना अंतर्गत कमला देईपुर छक निकट में अघटन घटी। जनक मृत्यु होता बेले अन्य जड़े गुरुतर आहत होती। मृतक गाड़ी ड्राइवर बड़म्बा थाना रत्तापाट अंचल राकेश साहणी। घटनास्थल में पुलिस और वन विभाग कर्मचारी पहुंची शाल काठ सह गाड़ी को जबत कर। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। केन्दुझर जिला 20 नंबर जातीय राजपथ गोहिरा निकट में मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना लुहा पथर बोझे ट्रक को धक्का देला आउ एक ट्रक। दुर्घटन दुई गुरुतर को कटक को स्थानांतर कर गतकाली विलंबित राति 20 नंबर जातीय राजपथ गोहिरा निकट में दुईटे ट्रक धक्का होता फल ड्राइवर और हेल्पर ट्रक भितर चापी हो जाते। घसीपुरा पुलिस और दमकल बाहन घटनास्थल में पहुंची उभय को उद्धार कर आनंदपुर उपखंड चिकित्सालय में भर्ती करते अवस्था गुरुतर होवर तक कटक स्थानांतर कर। घसीपुरा पुलिस गाड़ी को जबत कर तदंत आरंभ कर।
पार धरिबाकु चाहि चालीगला जीवन रेलवे स्टेशन रे इलेक्ट्रिक खंपरे लागी जाय पोडी होइकला नाबालक एभुले अभावनीय घटना घटिछे मंचेश्वर रेलवे स्टेशन रे जणे नाबालक स्टेशन रे थिबा ओवरब्रिज उपरे चढ़ी पारा धरुथिले एतिकरे ट्रेन उपरे लागीथिबा हाई वोल्टेज करंट लागी पोडी होइ तळे पड़ी जायथिले स्थानीय लोके तांको उद्धार करि कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करिछन्ते नाबालक जणक संपूर्ण शरीर पोडी जायथिबा जणा पड़िछे एबे गुरुतर अवस्था रे चिकित्सित होछन्ते आज सप्ताहांत सटाउन अवसर में पूरी श्रीमंदिर को विशोधन करा जायछे श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व और भीतर बेढ़ा को मध्य विशोधन करा जायछे दमकल बाहिनी और जिला प्रशासन पक्षर यह विशोधन कार्य करा जायथिला चंदन यात्रा वो रथ निर्माण कार्य चालू अधिक सतर्कता सह सानिटाइज करा जाएगी। समय सारी बुलेटिन कोई रखुचु नमस्कार।